हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल एनकेपी में। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हो कि आपने देखा होगा, अक्सर कोई किसी का पुराना रिलेशन रहता है और वह टूट जाता है, तो वह उसको कॉल रिकॉर्डिंग और उसके पुराने फ़ोटोज़ वगैरह को लेकर, वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है या करती है। तो वह कानून के तहत ब्लैक मेल करने का दंडनीय अपराध के रूप में माना जाता है। मैं आपको बता दूं, उससे बचने के लिए आपको कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ की जा सकती है। भारतीय कानून में ऐसे कई प्रावधान हैं जिसके तहत वीडियो के साथ ब्लैकमेल करना दंडनीय अपराध माना गया है। यदि कोई आपके सम्मान और संपत्ति को ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप भारतीय दंड संहिता की धारा 503 के तहत शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर अपराधी पीड़ित को जबरदस्ती या मांग करके वीडियो के साथ ब्लैकमेल करता है, जो आईपीएस के सेक्शन 384 के तहत दंडनीय अपराध माना जाता है, पीड़िता के पास आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 108 के तहत अधिकार है कि वह अपने एरिया के मजिस्ट्रेट से संपर्क करे और मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति के बारे में बता सकता है या सकती है जिस पर उसे शक होता है। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि भारतीय दंड संहिता की धारा जो 292 का यूज है, वह ब्लैकमेलिंग के पीड़ित द्वारा किया जाता है, जो आपराधिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा पीड़ित की अश्लील जैसे पुरानी तस्वीर वगैरह रहती है उसके पास, तो उसके लिए धमकी देता है और ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। तो जानकारी कैसी लगी है तो मुझे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।